हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम उसी कंट्रोवर्सी को आगे बढ़ाते हुए बात करने वाले हैं कि किस तरीके से एनिका ने लक्ष्य और दिग्विजय को एक तरीके से एक्सपोज कर दिया और साथ ही जो शिवित है उसने क्लियर किया कि उसने क्यों एनिका के साथ ब्रेकअप किया और अच्छे से, और भी बीच में बहुत सारी चीजों के बारे में बात करने वाला हूं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना। और फिर से इस वीडियो में मैं किसी भी वीडियो क्लिप को ऐड नहीं करने वाला क्योंकि उससे पता है कि क्या हो सकता है। तो आप लोगों को भी जानना तो वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लेना। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। और कुछ दिनों पहले दिग्विजय और लक्ष्य लाइव आए थे जहाँ पे ना लक्ष्य ने बोला था कि बस एनिका ना खामखा उस चीज में फंस गई है और मैं उससे बात करता हूँ। बोलता है कि शिवित बिल्कुल भी एनिका की नहीं सुनता, वो अपनी मर्जी चलाता है और केवल लोगों की पर्सनल लाइफ को बाहर निकालता है। और उसी बीच में दिग्विजय भी ये बोलता है कि मुझे पहले से ही पता है कि उन दोनों ने बाहर से ही प्लानिंग प्लॉटिंग करके आए थे शो के अंदर, मतलब कि फेक कपल बनने के एक्टिंग करके आए थे शो के अंदर, और बस वो लड़की है इस वजह से मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता। और लक्ष्य ये भी बोलता है कि कब तक वो एनिका को मैनिपुलेट कर लेगा, जिस दिन वो फ्रस्ट्रेटेड होगी उस दिन वो अपना मुंह खोलेगी और शिवित पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएगा। तो लाइव के टाइम पे लक्ष्य कुछ इन सब चीजों के बारे में बोलता है शिवित के खिलाफ, और मेनली यही वो रीजन था जिस कारण शिवित एनिका से नाराज हुआ था। और इसके बाद का तो सब कुछ आपने प्रीवियस वीडियो में देखा ही होगा कि किस तरीके से शिवित ने ब्रेकअप कर लिया था एनिका से और एकदम पब्लिकली किया था वो एकदम। बट इसके ऊपर ना आज की वीडियो में बात करने वाले कि एनिका ने खुद क्लियर करते हुए कुछ बोला था, और वो बोलती है कि जो लक्ष्य बोलता रहता है कि मेरी उससे बात हुई थी और हम बात करते हैं तो वो बिल्कुल ही फेक है, क्योंकि एनिका बोलती है कि मैंने उसको ऑलरेडी ब्लॉक कर रखा है और शो में भी वो काफी ज्यादा फेकनेस दिखाया था। और ये लोग केवल यही बोलने की एक्टिंग कर रहे हैं कि ये लोग लड़की की इज्जत करते हैं इस वजह से कुछ नहीं बोलते, बट इतने टाइम से ये लोग मुझे हेट दिलवा रहे थे, उस टाइम पे तो इन लोगों ने कुछ भी नहीं बोला। और सच बताऊं तो कुछ टाइम पहले रियल में एनिका को कुछ ज्यादा ही हेट मिल रहा था, और ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ना ये एनिका ने ना लाइव में बोला था। और वो ये भी बोलती है कि मेरे अगेंस्ट में जो रील्स बनती है लक्ष्य उसको रीपोस्ट करता है और उसके नीचे कैप्शन में भी लिखता है कि बाकी तो आप लोग समझदार हो गए ही। और यही सब रीजन था जिस कारण एनिका को काफी ज्यादा हेट मिलने लगा था। और उसी लाइव के टाइम पे ना एनिका ना कुछ लक्ष्य की सीक्रेट बात बताने वाली थी, बट वो अपने आप पे कंट्रोल करती है और वो उस चीज को रिवील नहीं करती। बट क्या पता इन फ्यूचर हमें वो पता लग जाए कि क्या बात थी, क्योंकि वो बात एनिका को अगर पता है तो उसने शिवित को भी बताया होगा, और क्या पता फ्यूचर में हमें वो भी पता लग जाए। और एनिका ने ना दिग्विजय को भी पॉइंट करते हुए बोला था कि वो हर वक्त पे केवल एक ही बात बोलता रहता है कि मैंने और शिवित ने बाहर से बात करके आए हैं शो के अंदर, तो हमने क्या बात करके आया तुम उसको भी क्लियर कर दो, क्योंकि मैं कभी भी उन्नति के बारे में कुछ भी नहीं बोलती, बट वो केवल मेरे बारे में ही हर वक्त शो पे बोलता रहता है या फिर शो के बाहर भी। और एनिका ये भी बोलती है कि वैसे दिग्विजय डायलॉग मारता रहता है कि लड़कियों को हेट मत दिया करो, बट उसका एक रील है जिसके नीचे एक कमेंट है जिसमें ट्रॉमेटाइज वर्ड का यूज किया गया हुआ है दिग्विजय ने उस कमेंट को पिन किया हुआ है। और अगर ट्रॉमेटाइज वर्ड आपको याद हो तो जिस एपिसोड में शिवित और दिग्विजय की फाइट हुई थी ना उसी एपिसोड में एनिका बोल रही थी कि मैं तुम्हारे वजह से ट्रॉमेटाइज हो गई थी, और वो बोलती है कि ये लोग ट्रॉमेटाइज वर्ड का काफी ज्यादा यूज करते हैं, और वो डायरेक्टली नहीं बोलते बल्कि इनडायरेक्टली बोलते हैं, बट इतना तो सभी को पता है कि वो वर्ड किसके लिए यूज किया जा रहा है। और वो ये भी क्लियर करती है कि ना वो लक्ष्य की साइड है और ना ही वो दिग्विजय की साइड है, ये वो क्लियर कर देती है। और इसके बाद वो शिवित की बात करती है कि उस टाइम पे वो गलत था जब उसने उस लड़की की आईडी को पोस्ट किया और उसने इस कारण पब्लिकली ब्रेकअप कर लिया मेरे से, बट मेरे से कोई भी नहीं पूछा उस चीज के बारे में कि मैंने उसको कितनी बार कॉल करने की कोशिश की और मैंने उसको कितनी बार कॉन्टेक्ट किया, उससे बात करने की कोशिश की, बट उसने मेरे से बात ही नहीं किया। और शिवित के खिलाफ तो उतना ज्यादा कुछ नहीं बोलती, फिर इसके बाद वो लक्ष्य के बारे में ही और कुछ बोलती है। और लक्ष्य केवल अपने वीडियोस में ये दिखाने की कोशिश करता है या फिर अपने लाइव में केवल ये दिखाने की कोशिश करता है कि उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। और लक्ष्य ने जो बोला था ना कि वो लड़की केवल उसके फ्रेंड है, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो इस बात को एनिका अभी तक एक्सेप्ट कर रही है कि जो भी कुछ शिवित ने बोला था वो एकदम सही बोला था कि लक्ष्य की वो गर्लफ्रेंड ही है, बट उसने जो आईडी को पोस्ट किया था ना इस कारण मैं शिवित से नाराज हुई थी, नहीं तो शिवित हर जगह एकदम सही था, मैं उसके सपोर्ट में थी। और एनिका केवल शिवित की एक ही बात पे नाराज हुई थी कि उसने उस आईडी को रिपोस्ट कर दिया था, सॉरी पोस्ट कर दिया था, और इस बात को शिवित ने भी एक्सेप्ट किया था। अगर आपने प्रिंस नरूला की लाइफ पे देखा हो जिसमें वो समझा रहे थे कंटेस्टेंट को, तो वहां पे भी शिवित थोड़ा शांत रहता है। तो हाँ, शिवित एक तरह से एक्सेप्ट कर चुका है कि हाँ उसने वो गलती की थी, और इस बार का सीजन जो है ना वो एकदम हद पार कर चुका है, क्योंकि इस बार के मैक्सिमम कंटेस्टेंट जो है ना वो एकदम फेक ही आए हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनकी बाहर गर्लफ्रेंड है लेकिन उसके बाद भी वो लोग एक्टिंग कर रहे कि उनकी कोई भी गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड नहीं है। और अब क्या ही हो सकता है यार इस दुनिया का, क्योंकि कौन ही सिंगल रहता है, मैं और जो आप वीडियो देख रहे हो शायद आप भी, और बाकी सबका तो ऑलरेडी होगा कोई गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड, बस हम ही सिंगल
साल रह गए हैं, तो इसमें हम जमाने को भी गलती नहीं कह सकते और कंटेशन को भी गलत नहीं कह सकते, क्योंकि यार जनरेशन ही ऐसी बन चुकी है। बट सीन वहीं पे खराब होता है ना कि तुम रियल बन के आया करो, हाँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो तुम ये शो मत करो, रोडीज कर लो, रोडीज में भी तो आ सकते हो। फिर इसके बाद जो एनिका होती है ना, वो आकृति की बात भी लाती है कि उस टाइम पे आकृति को भी ये लोग कुछ ज्यादा ही हेट फैलवा रहे थे और उस टाइम पे इन लोगों को याद नहीं आ रहा था कि वो एक लड़की है। तो अगर आपको याद हो तो श्रेया के पॉडकास्ट में आकृति ने बोला था कि अच्छा दिग्विजय भी है, तो उस टाइम पे भी ये लोग उस रील को पोस्ट किया करते थे और कोई भी ये नहीं बोलता था कि भाई उसको जाके हेट मत करो। इस टॉपिक की बात कर रही थी यहाँ पे एनिका। और इसके बाद जो आकृति होती है ना, वो भी एनिका के साथ खड़ी होती है और बोलती है कि जब मुझे हेट मिल रहा था तब तो किसी ने भी नहीं बोला, और वैसे ये लोग डायलॉग मारते कि लड़कियों को हेट मत दिया करो, तो क्या मैं लड़का हूँ? तो ये बात ना मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है कि क्या मैं लड़का हूँ। वो बोलती है कि क्या मैं लड़की नहीं हूँ और क्या मुझे हेट मिलना चाहिए? फिर मतलब कि इसका कहना ये है कि दिग्विजय ना दोगलापंती कर रहा है, वो अपना डबल साइड दिखा रहा है, एक तरफ तो अच्छा बनने की एक्टिंग करता है और दूसरी तरफ से वही फिर गलत करता है। और आकृति ये भी बोलती है कि उस टाइम पे ये लोग काफी ज्यादा हंसा करते थे और बोलते थे कि मैंने उसका कमेंट डिलीट करवा दिया या फिर और भी कुछ। अच्छा, तो आकृति ने भी इतना कुछ बोल दिया और दिग्विजय शांत रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हाँ, दिग्विजय का भी रिप्लाई आया था इसके ऊपर, तो उसने ये बोला कि भाई मैंने इन सब चीजों का शुरुआत नहीं किया था, शुरुआत आकृति ने ही किया था, वो पहले इशिता के बारे में बोलना शुरू की थी और उसके बाद फिर मैंने बोलना शुरू किया था। और वो ये भी बोलता है कि लक्ष्य की बात पे मैंने इसलिए बोला कि जिस लड़की के बारे में बोला जा रहा है वो शो के अंदर पार्ट नहीं है, बट बाकी की लड़कियों जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ वो सभी इस शो की पार्ट है। और आकृति के बारे में और भी बहुत सारी चीजें बोलता है, बट वो एनिका के बारे में और कुछ नहीं बोलता। और वो जो ट्रॉमाटाइज वाला वर्ड था ना, उसके ऊपर भी वो बोलता है कि वो केवल मजाक के तौर पे ये बोला करता था, क्योंकि वो उन्नति या फिर उसके और भी जितने भी लड़की दोस्त है उन सभी के साथ वो मजाक किया करता था। तो उसका कहना है कि मैं एनिका को बस एज अ फनी वे में ये बोलता था। तो फिर एनिका ने इन सभी चीजों के बारे में बात कर लिया, इन सभी ने एनिका के बारे में और बाकी लोगों के बारे में बात कर लिया, बस शिवित कहाँ है? शिवित भी तो कहीं होगा। तो हाँ, अब शिवित की बारी आती है। तो शिवित ने ये बोला कि अच्छा ठीक है, मैंने उस आईडी को रिपोस्ट किया, वो मेरी गलती थी और मैं उस गलती को मान भी रहा हूँ। तो एनिका ने मुझे पर्सनल कॉल क्यों किया, और अगर उसने मुझे पर्सनल कॉल किया होता तो मैं उससे माफी भी मांग लेता। और वो ये भी बोलता है कि उसने एनिका के कहने पे ना काफी सारी चीजें उसने लक्ष्य की हटाई है, अब क्या हटाई है वो आगे मैं आपको बताता हूँ। और वो ये भी पता है कि जैसे ही उसने उस आईडी को पोस्ट किया था ना, इसके बाद उसका फ्लाइट था, लगभग उसका फ्लाइट 3.5 घंटे का था, और इस चीज के बारे में एनिका को पता था कि वो कितनी देर ट्रेवल करने वाला है। और उसका कहना था कि जब उसको सब कुछ पता था कि मैं कब लैंड करने वाला हूँ, तो क्या वो कुछ देर तक मेरे लिए वेट नहीं कर सकती थी? बट उसने वेट नहीं किया और सोशल मीडिया पे आके बस उसने ये बोल दिया कि शिवित गलत है। और यही सब वो मेन रीजन है जिस कारण शिवित काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था एनिका से। और इसके बाद का तो सारी चीजें मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताई थी, जो कि आपने देखी होगी शायद। शिवित ये भी बोलता है कि उसने कई बार एनिका के कहने पे ना लक्ष्य की काफी सारी चीजों को हटाया है और कई बार मैं उसके कारण पागल भी दिखता हूँ। अब ये क्यों ये सब चीजें बोल रहा है, तो अब मैं आपको अच्छे से बताता हूँ उस चीज के बारे में। अगर आपको याद हो, जिस एपिसोड में शिवित और दिग्विजय की लड़ाई होती है उसमें अगर आपने गौर से देखा हो, तो फाइट के टाइम पे ना लक्ष्य ना पीछे की तरफ जा रहा होता है, तो ऐसा फील होता है कि लक्ष्य उस लड़ाई से बचने की कोशिश कर रहा है। तो उसी चीज को ना शिवित पोस्ट करता है अपने इंस्टाग्राम पे। तो उस टाइम पे ना लक्ष्य ने एनिका को या फिर एनिका के भाई को कॉल करके बोला था कि शिवित को बोलो कि उस चीज को हटा दे वो अपने इंस्टाग्राम से, इंस्टाग्राम या फिर कहीं पे भी यार अपलोड किया हो वहां से हटा देने के लिए। इसके बाद एनिका ने वो शिवित को भी बोला हटाने के लिए, और इसके बाद शिवित ने एनिका की बात को माना और उस चीज को हटाया भी था। बट वहां पे तो लक्ष्य एज अ रिक्वेस्ट करते हुए एनिका को बोला था कि उस पोस्ट को हटा दे, बट वो लाइव सेशन में ना कुछ अलग ही वे में बोल रहा था। देखा मैंने उस पोस्ट को कितनी आसानी से हटवा दिया, और वो एक तरह से ना अपने आप को अच्छा दिखा रहा था और शिवित को डंब दिखाने की कोशिश कर रहा था उस लाइव के अंदर। इन सब चीजों को भी शिवित पॉइंट आउट करता है। और इन सब चीजों के बारे में तो आपको भी शायद नहीं पता होगा कि शिवित ने वो सब चीजें क्यों हटाया था, बट आज आपको रीजन पता चल गया क्यों हटाया था। और ये सारी चीजें उसने एनिका के कहने पे शिवित ने की थी, बट उसको ये सब चीजें करने का मन नहीं था, उसको वो पोस्ट सब हटाने का मन नहीं था, बट उसने एनिका के कहने पे हटाया। तो इन सभी चीजों को पॉइंट आउट करते हुए शिवित बोलता है कि लक्ष्य चाहे मेरे खिलाफ कुछ भी बोल दे, वो सभी चीजें चलती है, मैं कुछ भी लक्ष्य के खिलाफ बोल देता हूँ ना, तो उस टाइम पे एनिका भी मुझे मना करती है बोलने के लिए। पर हद तो तब पार हो गई जब उस लाइव के अंदर उसने लक्ष्य का साइड लिया, मेरा साइड नहीं लिया, ये वही पोस्ट वाली बात कर रहा है। और वो ये भी बोलता है कि भाई मैं इसके बाद तो शायद ही एनिका के साथ पैचअप करने वाला हूँ, बट मुझे ऐसा फील नहीं होता, मुझे लगता है कि कुछ टाइम बाद इन दोनों का ठीक हो जाएगा, क्योंकि एक बंदे ने कमेंट किया था कि इन दोनों के बीच में बस मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो मेरे हिसाब से भी आप लोग सही हो। और वो बंदे ने जो कमेंट किया था उसने सही बोला था कि बस इन दोनों के बीच में एक बातचीत
हो जाए ना अच्छे से, दोनों एक साथ लाइव आके बात कर ले, उसमें सब कुछ शॉर्ट हो जाएगा। और मुझे यहाँ पे ना तो शिविर गलत लग रहा है और ना ही एनिका गलत लग रहा है, बस इन दोनों का सिचुएशन ही यहाँ पे गलत है। और मुझे तो सच बता रहा हूँ फील हो रहा था कि केविन और कैट वाला जो सीन था ना, जहाँ पे पुलिस केस भी होने वाला था, मुझे कुछ वैसा ही सीन यहाँ पे लग रहा था कि ना हो जाए, बट यहाँ पे कुछ उतना ज्यादा क्रिटिकल नहीं है। और ये था पार्ट टू कॉन्ट्रोवर्सी का। कॉन्ट्रोवर्सी क्या ही यार, इसको थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग ही बोल सकते हैं हम, उसका पार्ट टू था। और आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, और जैसे ही आगे कुछ भी होता है ना तो भाई मैं आपको अपडेट अवश्य दूंगा। और आप लोग अपना राय भी कमेंट सेक्शन में जरूर देना, क्योंकि भाई मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूँ। और उस भाई को समझ में आ गया होगा कि जिसका कमेंट पढ़ के मैंने वीडियो में बोला, मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूँ, तो आप लोग अपना ओपिनियन जरूर देना। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।